हेलो गाइस, आज मैं वीडियो बनाऊंगा मकान और घर को मजबूत कैसे बनाएं, और उसके बारे में एक एक स्टेप वाइज आपको बातें बताऊंगा मैं। देखते हैं, इधर से शुरुआत करते हैं। जैसे हमने क्या कर रखा है, इसको एक ज़मीन लेवल से खोदा है 2 मीटर। NGL है, बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसको 2 मीटर खोदा है। आप अपने घर को कम से कम 4 फीट या 3 फीट, 3.5 फीट से कम खोदें इसको, और उसकी ड्रेसिंग कंपैक्शन ऐसे करें, फिर उसको दुरमुट से कुटाई करें और उसको एक लेवल में कर लें। फिर उसके बाद एक 4 इंच की PCC डलेगी। जैसे आपने घर में इतनी बड़ी फाउंडेशन की ज़रूरत है नहीं, अपने मकान बनाना है, 1-3 मंजिल का ही बनता है, उससे ज़्यादा बनता नहीं है। 3 फीट बाई 3 फीट की आप एक फाउंडेशन बना सकते हो, और उसमें 4 इंच दोनों चारों बगल से इसको एक्स्ट्रा बना लो, क्योंकि उसके ऊपर सेटरिंग लगाना और उसको और उसकी फाउंडेशन बन जाए। ये देखो, हमने 4 इंची बत्ते लगाकर, बैकादा बत्ते लगाकर बनाई हुई है। फिर इसको इसके ऊपर स्टील बांधेंगे हम। ये देखो, हमने ऐसे शुरुआत की हुई है, ऐसे बना रखे इसको। ये मिक्सचर देखो हमारा, इस मिक्सचर से बना के डालते हैं, बढ़िया मिक्सिंग करके इसको, तब प्रॉपर तरीके से डालते हैं हम इसको। फिर क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक जाल बिछाते हैं। जाल के बाद, जाल अभी दिखाई नहीं दे रहा, हमने सारी कास्टिंग कर दी गई है, उसके अंदर दिख नहीं पाएगा आपको। फिर हम एक जाल बांधने के बाद एक सेटरिंग करते हैं। आप 10 का सरिया लेकर 6 इंची सेंटर कर सकते हैं, और एक ये फाउंडेशन होती है, इस तरीके से हम बनाते हैं इस फाउंडेशन को। ये देखो, ये कॉलम खड़ा कर दिया गया है, इसमें 16 का सरिया है, और इस तरीके से सपोर्टिंग कर रखी है, बहुत बढ़िया तरीके से कास्टिंग की हुई इसकी। और दिखा देता हूँ आपको बढ़िया तरीके से, ये हमारी साइट है, हमने बिल्कुल बढ़िया तरीके से वो कर रखा है कंपैक्शन। आज आप पहले PCC के बारे में ही देख लो, ज़्यादा समझ नहीं पाओगे, एक एक वीडियो बना दूँगा। आज स्पेशल PCC के ऊपर ही है, जो फाउंडेशन कंपैक्शन कैसे करते हैं, मिट्टी को कंपैक्ट करके और उसको बत्ते चारों साइड बत्ते लगाकर बिल्कुल बढ़िया तरीके से को बढ़िया तरीके से बनाए। देखो, ये देखो इसको कैसे बनाया हुआ है, बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है, चारों बगल से एक जैसा एक लेवल में बनाया हुआ है, बढ़िया तरीके से फाउंडेशन को कंपैक्शन करके इसको 7 डेज क्यूरिंग करके इसके ऊपर लेआउट वगैरह करते हैं हम। अभी बारिश हो गई है, हमने लेआउट कर रखा था इसके ऊपर, कॉलम के ऊपर, और चारों बगल दागे भी लगा, निशान वगैरह लगा रखा था। आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कि कॉलम के निशान वगैरह हम कैसे लेआउट करके उसके बाद ही उसको रखते हैं अपनी जगह पे, क्योंकि नहीं तो वरना ये आउट हो जाएगा भैया। ये दिखा देता हूँ आपको, ये हमने क्या कर रखा है, ये निशान वगैरह लगा रखे हैं, इसमें धागा रस्सी वगैरह पटक रखी इसके ऊपर, ये दिखाई दे रहा होगा आपको सफ़ेद सफ़ेद सा, ये हमने निशान वगैरह लगा रखे हैं इसके अंदर। ये देखो, इसके अंदर लिफ्ट आएगी, ये लिफ्ट के निशान हैं, वरना ये बिल्डिंग ही आउट हो जाएगी भैया। अब मकान बनाओ, लाइन लेवल इन चीज़ों का भरपूर तरीके से ध्यान रखें। आज बस इतना ही दोस्तों। और एक ये देखो, हम क्या करते हैं, फाउंडेशन डालने के बाद ये स्टार्टर डाल देते हैं। गांव में क्या कर देते हैं, स्टार्टर वगैरह नहीं डालते, सीधा ही लगा देते हैं, उससे कॉलम में अनिकोम में गंजापन बिल्कुल दिखाई देता है, और उससे बिल्डिंग के अंदर सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है वो। इसको कॉलम के चारों बगल चिप, जो हमारा फ्रेम होता है लकड़ी का, उसको चारों बगल से लगा देते हैं, इसको कस देते हैं बढ़िया तरीके से, और इसके अंदर क्या करते हैं, इसको कस के फर्मा लगा, हम इस तरीके से इसको फ्रेम को सेट कर देते हैं, कस देते हैं। पिन पत्ती है, इसको चारों बगल से सपोर्टिव वगैरह दे रखी हैं, इसको बिल्कुल लाइन लेवल और पलम में किया गया है, इसको साउल में किया गया है, और इसको कास्टिंग करते हैं हम इस तरीके से, बढ़िया तरीके से। इसमें बिल्कुल सलरी वगैरह कुछ निकलेगी, इसको हमने स्टार्टर भर के काम किया हुआ है। इस चीज़ का ध्यान रखें भैया, अपना मकान किसी ठेकेदार या किसी से बनवाएं तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। आज इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो लेकर आऊँगा, उसको आपको स्टील बाइंडिंग और सब कुछ दिखाऊँगा आपको इसके अंदर। नमस्कार दोस्तों।